10 ऐसी गलतियां जो अक्सर थायराइड के मरीज करते हैं जब वो अपनी दवा लिवोथायरॉक्सिन को लेते हैं तब। क्या है वो गलतियां, कैसे इससे बचा जाए और कहीं जाने अनजाने में आप खुद तो ये गलती नहीं कर रहे, चलिए जानते हैं हम आज उसके बारे में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर तानवी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर मुंबई से। अब थायराइड की बीमारी जो है ये हार्मोन की एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन बीमारी है और अक्सर मरीज थायराइड को ठीक करने के लिए उसकी हार्मोन की दवाइयाँ लेते हैं और उसमें आज हम बात करने वाले हैं हाइपोथायरॉयडिज्म या तो फिर हाशिमोटोज़ को ठीक करने वाली दवा जिसका नाम है लिवोथायरॉक्सिन। लिवोथायरॉक्सिन दवा जो है एक प्रकार की थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट है, यानी अगर आपके शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी है तो ये दवा बाहर से दी जाती है वो कमी को पूरा करने के लिए। लेकिन ये जो दवा है उसको लेने का खास तरीका है और ये दवा आप सादी बाकी की गोलियों की तरह नहीं ले सकते और इसीलिए ये दवा की जब हम बात करते हैं बहुत सारी गड़बड़ लोग जाने अनजाने में कर डालते हैं और उसके वजह से उनको ये दवा का सही फ़ायदा नहीं मिलता। तो क्या ऐसी गड़बड़ें हैं जिससे आप बचें? तो उसमें सबसे पहली गड़बड़ है कि ये दवा आप लेते हैं खाना खाने के साथ में। जी हाँ, देखिए थायराइड की जो हाइपोथायरॉयडिज्म को ठीक करने की जो लिवोथायरॉक्सिन की दवा है ये हार्मोन की दवा है और ये हार्मोन की दवा अक्सर हम देते हैं जब मरीज़ रात को नींद में से उठते हैं तभी, यानी कि खाली पेट, एम्प्टी स्टमक। तो एम्प्टी स्टमक पे ये गोली लेनी चाहिए और ये गोली लेने के बाद में तकरीबन 45 से 60 मिनट तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है। लेकिन हमने बहुत बार देखा है कि मरीजों को ये पता नहीं रहता और बहुत सी बार ये गोली लेने के तुरंत ही बाद में वो नाश्ता कर लेते हैं या तो फिर नाश्ता करने के, चाय कॉफ़ी पीने के बाद में ये दवा लेते हैं। तो ये सबसे पहली गड़बड़ है और सबसे ज़्यादा कॉमन गड़बड़ है, तो ये गड़बड़ी से आप बचें। दूसरी गड़बड़ है कि लिवोथायरॉक्सिन की गोली लेने के बाद में मरीज और भी दवाइयाँ ले लेते हैं। जी हाँ, देखिए इंसान तो हम एक ही है, हमारा शरीर एक है और उसके लिए हम बहुत सारी और भी दवाइयाँ शायद से ले सकते हैं और कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो अगर आप थायराइड की दवा के साथ में लेंगे तो आपको लिवोथायरॉक्सिन दवा का सही तरीके का खुराक नहीं मिल पाएगा। तो उसमें से कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि एसिडिटी की दवाई। जी हाँ, बहुत से लोगों को एसिडिटी होती है और उसके लिए सुबह खाली पेट पे वो बहुत सारी एसिडिटी की गोलियाँ लेते भी हैं और अक्सर एसिडिटी की गोलियाँ खाली पेट पे ही एडवाइस करते भी हैं। तो अगर उस टाइम पे साथ साथ में अपने थायराइड की गोली ली तो गड़बड़ हो सकती है। उसी प्रकार बहुत सारे लोग कैल्शियम की और आयरन की गोलियाँ लेते हैं, खून की कमी होती है उसके लिए आयरन की गोलियाँ लेते हैं, ये गोलियाँ ले रहे तो भी गड़बड़ है। साथ ही साथ अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है जो ज़्यादा करके थायराइड के मरीजों को, हाइपोथायराइड वालों को काफ़ी कॉमन होती है, उसके लिए कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते हैं, अगर वो गोली भी आपने सब सुबह लिवोथायरॉक्सिन के साथ में ली तो गड़बड़ी आ सकती है। बाय द वे, थायराइड का कोलेस्ट्रॉल के साथ में क्या कनेक्शन है उसके लिए मैंने खास एक अलग वीडियो बनाया है, आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा क्योंकि बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जो कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते जा रहे हैं, सालों साल लेते जा रहे हैं और फिर जब एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के पास आते हैं, आगे की जांचें होती है तो पता चलता है कि उनको तो ये दवा लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल वाली दवा ले रहे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा, उस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ ऊपर आई बटन पे भी उसका लिंक मौजूद है जो आपको उस वीडियो की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, तो ये थी थायराइड की दवा के साथ में दूसरी दवाइयों का सेवन। तीसरा पॉइंट, बहुत सारे लोग थायराइड की दवा के साथ में और दवाइयाँ शुरुआत कर देते हैं या तो बंद कर देते हैं। अब इसका क्या मतलब है? देखिए बहुत सी बार ऐसा होता है कि मरीज को थायराइड का प्रॉब्लम है, कुछ महीने कुछ सालों बाद में उनको कोई और हेल्थ प्रॉब्लम आता है और वो कुछ और हेल्थ प्रॉब्लम के वजह से डॉक्टर्स ने उनको कुछ दवाइयों का लेने का उपाय दिया है।
तो ऐसे केसेस में अगर आपने वो दवाई, दूसरी दवाई चालू कर दी है तो गड़बड़ी आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप थायराइड की दवा ले रहे हो तो आपको और कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप और कोई भी दवा ले रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं, तो आप आपके जो ट्रीटिंग थायराइड के विशेषज्ञ डॉक्टर है उनको डेफिनेटली ये बात बताइए, क्योंकि हो सकता है वो जो दवाई है वो आपकी थायराइड की दवा के साथ में इंटरफियर करे और आपको सही तरीके का उसका फ़ायदा ना आए। तो इसमें आ जाती है कुछ दवाइयाँ, जैसे कि सबसे पहले गर्भ निरोधक गोलियाँ, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिसको हम कहते हैं। अक्सर ये दवा PCOS में प्रिस्क्राइब की जाती है। अब PCOS में का जो प्रॉब्लम है वो भी थायराइड की हेल्थ प्रॉब्लम के साथ साथ में आने वाला और एक एंडोक्राइन प्रॉब्लम है, और अक्सर ये दोनों साथ में पाए भी जाते हैं। और इसी के वजह से बहुत सारी लड़कियाँ या तो औरतें बर्थ कंट्रोल पिल्स पे आ जाती हैं, तो वैसे केसेस में आप आपके डॉक्टर को पूछिए। साथ ही दूसरी दवा है जिसमें आ जाता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन भी एक खास प्रकार का लेडीज़ में होने वाला एक हार्मोन है, और ईस्ट्रोजन की भी दवाइयाँ काफ़ी लेडीज़ को प्रिस्क्राइब की जाती है। उसी प्रकार मर्दों में दी जाता है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन भी एक प्रकार का हार्मोन है, और अगर आपको हाइपोगोनाडिज्म जैसी समस्या है तो आपको ये दवा दी जा सकती है। फिर आ जाती है सीजर्स की दवाइयाँ, यानी जिसको मिर्गी की जो बीमारी कहते हैं, जहाँ पे लोगों को कपी आती है, तो अगर आपको सीजर्स का प्रॉब्लम है तो उसकी दवाइयाँ। साथ ही साथ डिप्रेशन की गोलियाँ। जी हाँ, थायराइड का और डिप्रेशन का भी काफ़ी गहरा नाता है, और इसीलिए बहुत सारे लोग डिप्रेशन की गोलियाँ लेते हैं। तो अगर आप डिप्रेशन की गोलियाँ, तो मिर्गी की बीमारी की गोलियाँ और कोई हॉर्मोन्स की दवा ले रहे हैं, अचानक से दवा लेना शुरू किया है, तो प्लीज़ आप आपके डॉक्टर को जाके मिलिए, उनको बताइए, हो सकता है आपका डोज तुरंत चेंज हो जाए। और भी एक बात है कि अगर आपने डोज में परिवर्तन नहीं किया तो हो सकता है आगे जब आपकी खून की जाँच करवाएँगे तो आपकी रिपोर्ट्स में गड़बड़ी आए, तो इसी गड़बड़ी से बचे। साथ ही साथ अगर कुछ वक्त के लिए दवा ली है और अचानक से ये गोली बंद कर दी, तो भी आपको आपके डॉक्टर को मिलना है, बात करनी है, वापस आपका डोज में परिवर्तन आ सकता है। देखिए, डोज में परिवर्तन इसलिए आएगा क्योंकि ये जो दवा आप लेंगे और नहीं लेंगे, दोनों केसेस में आपके थायराइड में चेंजेस आता है, और इसीलिए टाइम टू टाइम आपको डोज में परिवर्तन करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसीलिए रेगुलर बेसिस पे आपको आपकी थायराइड की जांच पड़ताल करानी चाहिए, और आपके डॉक्टर के पास आपको रेगुलर फॉलोअप्स में जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई तीसरी मेजर गड़बड़। चौथी गड़बड़, लोग सोचते हैं कि अगर हमने दवा की ब्रांड चेंज कर दी तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये बड़ी बात हो सकती है। देखिए, आपको लगता है कि आपने ब्रांड ए में से ब्रांड बी में जंप कर दिया। वो जंप क्यों भी हो सकता है, या तो आपको वो पहली वाली जो ब्रांड है वो दवा मिल नहीं रही है, फार्मेसी स्टोर में अवेलेबल नहीं है, या तो फिर आपने ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन सब दवाइयाँ मंगवाते हैं, वहाँ पे वो दवा आपको जेनेरिक सब्स्टिट्यूट दिखा रही है, थोड़ी ज़्यादा सस्ती है, तो आपने शायद से ब्रांड बदली कर लिया। आपको लगा कि क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है जब हम लियोथायरोक्सिन की गोली की बात करें तो, क्योंकि ये हार्मोन की दवा है, इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्रांड का कंसिस्टेंसी, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक में से दूसरी ब्रांड, दूसरी में से तीसरी ब्रांड, या तो फिर ब्रांड में से जेनेरिक वाली दवाइयाँ, या तो जेनेरिक ले रहे इतने सालों से, अचानक से जेनेरिक में से ब्रांड वाली दवाई चेंज की, तो ऐसे जब आप कंपनियों में परिवर्तन करते हैं तो भी आपकी थायराइड में और उसके रिपोर्टिंग में गड़बड़ी आ सकती है, यानी ये गड़बड़ी से भी आपको बचना है। ठीक है, दूसरी एक गड़बड़ करते हैं अक्सर मरीज लोग, के उनको लगता है कि कोई भी सप्लीमेंट हम ले लें थायराइड के साथ साथ में तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है, डिफरेंस पड़ता है, ख़ास करके जब आपके सप्लीमेंट में आ जाती है आयोडीन। देखिए, थायराइड की जो ग्रंथि जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में आयोडीन होता है, और ये ग्रंथि ये आयोडीन को इस्तेमाल करके थायराइड का हार्मोन T3 और T4 बनाती है। तो अगर आप आयोडीन का सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, या तो फिर आप बायोटिन ऐसी दवाइयों का सप्लीमेंट कर रहे हैं, तो थायराइड के रिपोर्टिंग में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आपने आयोडीन की मात्रा कम या ज़्यादा कर दी तो आपको गोइटर जैसी समस्या भी आ सकती है।
साथ ही साथ बायोटीन जो है जो अक्सर लोग लेते हैं अपने बालों की हेल्थ अच्छी रखने के लिए, क्योंकि थायराइड के लोगों को बालों की समस्या होती है, लोग बायोटीन का सप्लीमेंटेशन करते हैं और उसके वजह से भी आपके थायराइड के रिपोर्ट्स में गड़बड़ी आ सकती है। बाय द वे, थायराइड और बालों का कैसा कनेक्शन है उसके लिए मैंने खास 3 अलग अलग वीडियो बनाए हैं। जी हाँ, एक वीडियो में मैंने बताया है कि थायराइड अगर आपको है तो आपको आपके बालों की कैसे ख्याल रखना चाहिए, साथ ही साथ अगर आपको बालों की समस्या है तो कौन से हॉर्मोन्स की जांच करानी चाहिए, और तीसरा हेयर केयर जो हर एक के लोगों के लिए एप्लीकेबल है कि आप आपके बालों की देखभाल सही तरीके से कैसे करें। तो ये तीनों वीडियो आप देखिएगा अगर आपको थायराइड के साथ साथ में बालों की समस्या है तो। ठीक है, तो ये हो गया एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन ऑफ द मेडिकेशन। दूसरी एक गड़बड़ लोग करते हैं वो है चेंज ऑफ द डोज। जी हाँ, दवा का जो चेंज जो खुराक जो होता है वो खुद ही चेंज कर देते हैं। अब इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न, आपने खून की जांच करवाई है, रिपोर्टिंग में कुछ गड़बड़ देखी है तो खुद ही अपने डॉक्टर बन जाते हैं और अपना डोज अब खुद ही से कम कर लेते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं। ये जो सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ डोज एडजस्टमेंट जो होता है ये करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सेल्फ चेंज ऑफ द डोज नहीं कीजिए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि चेंज ऑफ द डोज जब खुद से मरीज़ करते हैं जबकि उनको इस बात की खास प्रकार की नॉलेज नहीं होती, मेडिकल ट्रेनिंग नहीं होती, तो फ़ायदा करने के चक्कर में नुकसान ज़्यादा कर देते हैं। लोगों को लगता है एक कंसल्टेशन डॉक्टर का बच जाएगा, उतने पैसे बच जाएंगे, लेकिन वो कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा इंटरनली डैमेज कर बैठते हैं। तो ये गड़बड़ी भी आप नहीं कीजिएगा। दूसरी एक गड़बड़ करते हैं कि मरीज़ को लगता है कि दवा का खुराक अगर ज़्यादा ले लिया तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। जी नहीं, ये गड़बड़ लेके आ सकता है, ख़ास करके तब जब आप डोज ज़रूरत से बहुत ज़्यादा ले ले या तो फिर डोज बहुत ज़रूरत से कम ले ले, तो दोनों केसेस में आपका थायराइड डिस्टर्बेंस में आ जाएगा और थायराइड डिस्टर्बेंस के वजह से आपके शरीर में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। यानी ज़रूरत से ज़्यादा खुराक वाला डोज आपको नहीं लेना है और ज़्यादा डोज लेना आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। और एक गड़बड़ मरीज़ अक्सर करते हैं वो है ये दवा की कंसिस्टेंसी में। जी हाँ, देखिए कंसिस्टेंसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है थायराइड को ठीक करने का। यानी कि ये दवा जो भी आपको प्रिस्क्राइब की है, जो भी खुराक की, जो भी फ्रीक्वेंसी में आपको प्रिस्क्राइब की है, आपको सही टाइम पे, सही वक्त पे, रोज़ाना नियमित तौर पे लेना है। अगर आपने दवाई कंसिस्टेंट यानी नियमित तौर पे नहीं ली तो आपको दवा का उतना फ़ायदा नहीं होगा, साथ ही साथ आपका थायराइड में डिस्टर्बेंस आएगा और थायराइड में अगर डिस्टर्बेंस रहेगा तो आपके बॉडी में और भी बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। ये दवा को कंसिस्टेंटली नियमित तौर पे लेना ये दवा का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट निर्णय है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये दवा रेगुलर तौर पर नहीं ले पा रहे तो वैसे केसेस में आप खुद कुछ भी ट्रिक लगा के अपने आप को ये याद रख सकते हैं कि आपको ये दवाई कैसे सही तरीके से लेनी है। अक्सर हमने देखा है कि जब मरीज़ को थायराइड प्रॉब्लम होता है तो उनको मेमोरी यानी याददाश्त शक्ति थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है और चीज़ों को वो भूलने लग जाते हैं, और इसीलिए ये गड़बड़ के वजह से बहुत सी बार मरीज़ दवा लेना भूल जाते हैं। दूसरी बात ये भी हो जाती है क्योंकि रोज़ लेना है तो अचानक से मरीज़ को याद आया मैंने आज गोली ली थी या नहीं ली थी, अरे नहीं वो तो कल लिया था, आज का याद नहीं आ रहा। तो ये जो पॉइंट है ना ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिकल पॉइंट है और बहुत सारे लोगों की ये गड़बड़ होती है। तो प्लीज़ आप ऐसी गड़बड़ ना करें, और इसके लिए चाहिए तो आप अलार्म लगा दीजिए या तो फिर कैलेंडर में एक टिक मार्क कर दीजिए, या तो आजकल जो पिल ऑर्गेनाइजर्स आते हैं जहाँ पे सोमवार से रविवार की आप हर एक गोलियाँ एक 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 इकट्ठे करके रख सकते हैं, तो पिल ऑर्गेनाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, कोई भी तरकीब लगाइए ताकि आप ये दवा कंसिस्टेंटली नियमित तौर पर लें। ये सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी एक गड़बड़ करते हैं कि मरीज़ कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ है उनको ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं। जी हाँ,
बहुत सारे खाने ऐसे हैं जो अगर आप थायराइड के साथ में, थायराइड की दवा के साथ में लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं। उसमें कुछ खाद्य पदार्थ है जिसका मैं बताऊंगी। सबसे पहला है हाई कैल्शियम कंटेनिंग फूड, यानी जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अक्सर जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध, दही, छाछ, फिर चीज़ है, उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है, तो वो अगर आपने सुबह में लिया है थायराइड दवा के साथ में तो गड़बड़ी ला सकता है। उसी प्रकार दूसरा खाद्य पदार्थ है, वो है चाय, कॉफ़ी। जी हाँ, कॉफ़ी का सेवन अक्सर हम सुबह में थायराइड की दवा के साथ में नहीं कहते। वो क्यों नहीं कहते, क्या उसके पीछे साइंटिफिक वजह है, उसके लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। देखेगा कि कैसे कॉफ़ी और थायराइड की दवा एक दूसरे को इंटरफियर करती है। उसी प्रकार तीसरा जो खाद्य पदार्थ है वो है गोइट्रोजेनिक खाने पीने। उसमें आ जाते सोया की चीज़ें, फिर आ जाती है उसमें गोइट्रोजेनिक फूड, जैसे कि फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गया, केल है, ब्रोकोली है। तो ये भी खाने पीने आपको सुबह में जब थायराइड की दवा लेते हैं तब नहीं लेने चाहिए। और एक लोगों का बहुत ज़्यादा पसंदीदा खाना है, वो है अखरोट। जी हाँ, अक्सर लोग पानी में भिगो के सुबह सुबह में अखरोट खाते हैं, और अखरोट भी थायराइड की दवा के साथ में इंटरफियर करता है। कैसे इंटरफियर करता है, उसके लिए भी मैंने अलग वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उस वीडियो को देखेगा कि कैसे थायराइड और अखरोट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर जब आप ये सब खाद्य पदार्थ को ओवर इंडल्जेंस यानी ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो आपकी थायराइड की दवा का एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ सकता है, और ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम लेके आता है। और आखिरी और इम्पॉर्टेंट गड़बड़, मरीज़ अक्सर दवा खुद ही से स्टार्ट करते हैं और खुद ही से बंद भी कर देते हैं। जी हाँ, बहुत कॉमन है ये, क्योंकि थायराइड का प्रॉब्लम लंबे वक्त के लिए रहता है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि मरीज़ कंटाल जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कितना टाइम ये दवा लेते बैठे, और बहुत सी बार फ्रस्ट्रेशन में दवा खुद से बंद भी कर देते हैं, और ये हम बहुत ज़्यादा देखते हैं क्लिनिक की ओपीडी में। तो अगर आप ऐसी गड़बड़ करेंगे तो उस वक्त पे तो आपको मेंटल रिलीफ मिल जाएगा कि मैंने दवा बंद कर दी, लेकिन वो बंद करने के बाद में आपकी जो अंदर की सिस्टम में जो गड़बड़ी आ जाएगी वो आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। और अक्सर मरीज़ दवा बंद करने के तकरीबन 2 या 3 महीने, उससे ज़्यादा भी नहीं लगते, 2 या 3 मैक्सिमम महीनों में डॉक्टर के पास भागे चले आते हैं, हमको ये हो रहा है, हमको वो हो रहा है, हमको वो हो रहा है। और फिर जब हम पूछते हैं कि क्या कुछ चेंजेस किए थे तो बोले हमने दवा खुद ही से बंद कर दी। अब खुद ही से बंद कर दी क्योंकि हम कंटाल गए थे, रिपोर्ट करके आते तो रिपोर्ट पूरी बिगड़ी हुई आती है। तो ऐसी गड़बड़ी आप नहीं कीजिएगा। बहुत सी बार मरीज खुद 10 दिन के लिए बंद कर देते गोली, क्योंकि घूमने जा रहे, हॉलीडे पे जा रहे, घर में शादी वगैरह है, दवाई बंद कर दी। अचानक से फिर फंक्शन ख़त्म होते हैं, दवाई याद आ जाती है कि चलो भाई अब तो दवाई लेने का वक्त हो गया। तो ऐसी जब आप गड़बड़ करेंगे तो आपके थायराइड हार्मोन में अंदर से ऊपर नीचे का जो फ्लक्चुएशंस हुआ है वो आपके हार्ट के ऊपर भी भारी पड़ सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपके हार्ट के ऊपर भी भारी पड़ सकता है। तो इसीलिए ऐसी गड़बड़ें ना करें। अगर आपको लिवोथायरोक्सिन की गोली डॉक्टर ने हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए प्रिस्क्राइब की है तो उसका डोज सही तरीके से देखें और सही तरीके से दवाई लें। अब ये दवा लेने का सबसे सही तरीका कैसे है, उसके लिए भी मैंने खास एक अलग वीडियो बनाया है जो लोगों ने, लाखों लोगों ने पसंद किया है। आप चाहे तो उस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पता चले कि हाइपोथायरॉयड की दवा को कैसे सही तरीके से लिया जाता है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ नई और सही जानकारी हासिल हुई। और प्लीज़ थायराइड की गोली सही तरीके से लीजिएगा, ये मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि गड़बड़ी हमने बहुत ज़्यादा देखी है और वो गड़बड़ बहुत भारी भी पड़ती है। अगर आपके आपकी थायराइड के रिलेटेड कोई भी निजी पर्सनल सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं, पता नहीं चल रहा किसको पूछे, कोई जवाब नहीं देता, YouTube पे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे लेकिन कमेंट्स में जब लिखते हैं कोई जवाब देता नहीं है, तो अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं हर एक कमेंट्स को पर्सनली पढ़ती हूँ, जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश भी करती हूँ। अगली बार वापस मिलेंगे कोई एक अच्छे और नए टॉपिक के साथ में। तब तक आपकी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।